बीती रात रतनपुर बड़ी बाजार में आग लगने से दो दुकान जलकर राख हो गई। दीपावली की रात होने से अंदेशा है कि आतिशबाजी से ही आग लगी होगी, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बीती रात नगर के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में आग लगने की घटना से सनसनी फैल गई। वहीं लोगों द्वारा घटना की सूचना रतनपुर पुलिस को दी गई। आग लगने की सूचना पाकर रतनपुर पुलिस और नगर पालिका का फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गया। मैं बहुत दिनों से दुकान कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरे अब कम से कम 40 साल हो गए हैं दुकान करते, और मेरे को 20 साल हो गए। और कल रात को मेरे को सूचना मिली कि आग लग गई है कहते, करीब 10 बजे तब मैं वहाँ पर आकर देखा तो बहुत तेज़ी के साथ आग जल रहा था। वहाँ पर लोगों ने बहुत बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाया। आग इतनी तेज़ी थी कि किसी भी प्रकार की वहाँ पर सुविधा नहीं मिला। और उसके बाद में आग को किसी तरह बुझाया गया है। उसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उसके बाद आए और बहुत प्रयास के बाद फायर ब्रिगेड से काबू पाया गया है। मेरे मनिहारी दुकान से लगभग 2.5 लाख का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। मैं माफ करता हूँ, मेरा मकान कलमीटार में है। मैं दीपावली के पर्व के समय हम लोग धनतेरस को कलमीटार चले थे पूरा परिवार, और आज लगभग 10 बजे रात को मेरे फोन आया यहाँ से रतनपुर से कि आपका मकान जल रहा है, जिसमें एक मनिहारी दुकान को किराया दिया था, एक टेलर दर्जी के लिए दिया था, ये दोनों मकान पूरी तरह जल गए हैं करके। उसके बाद जैसे मेरे को सूचना मिला, मैं आया तो देखा तो एकदम आग लगा हुआ था। मोहल्ले वाले से पूरा आग को बुझाने में डूटे हुए थे। इसी बीच में दमकल भी आया और काफ़ी लोग मेहनत करके सब मोहल्लेवासी ने आग में मुश्किल से काबू पाया, जिसमें पूरी दुकान और मकान क्षतिग्रस्त पूरी तरफ से जल गया था। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में रजहा पारा निवासी दिनेश नामदेव की पवन टेलर नाम से टेलरिंग शॉप का सिलाई मशीन, फर्नीचर और कपड़े जलकर राख हो गए। साथ ही मिर्जा उस्मान बेग की मनिहारी दुकान भी इसकी चपेट से बच नहीं सकी, और इस आग ने मिर्जा उस्मान बेग का पूरा मनिहारी दुकान का सामान जलकर राख कर दिया। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट।